कुरान जो है वो फुरकान है, क्राइटेरिया है, और कुरान ही वो उसूल देगा, वो जजमेंट जहां से कि आप जज कर पाएंगे। और इन रवायतों की वजह से ही ज्यादातर मसलकी चीजें आपस में कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, ये फिरकों का बनना, गिरोहों का बनना, लड़ाई झगड़े की बड़ी वजह वही होती है, वहां पे हम सही से अप्रोच नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये क्यों गढ़े गए हदीस, इसके ताल्लुक से मैं बिल्कुल क्विकली आपके सामने बस थोड़ी बात रखूंगा, या किन्होंने गढ़ा, तो आपको उसके लिए इस्लामी तारीख को भी देखना पड़ेगा। नंबर वन बात तो यह है कि एक हमारे नजदीक बड़ी रोजी पिक्चर खींची जाती है कि गोया के जैसे प्रॉफिट के टाइम में या सहाबा के टाइम में हर चीजें जो ना बड़ी रोजी रोजी थी, हर चीजें बिल्कुल आइडियल थी, सब चीज बहुत अच्छी थी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी चीजें भी थी, सहाबा थे, जबरदस्त ईमान वाले सब थे, लेकिन उसी के साथ उन्हीं लोगों के बीच में मुनाफिक भी मौजूद थे। कुरान की कितनी सारी आयतें भी हैं जो बताते हैं कि भाई मुनाफिक भी मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने उन मुनाफिकों की कोई लिस्ट विस्ट तो बताई नहीं, लोगों के सामने बयान तो नहीं किया कि फला फला मुनाफिक है। वो मुनाफिक जो थे वो अपने हिसाब से दिन रात अपने काम में लगे रहते थे। हम लोग ये समझते हैं कि जितने भी आदमी थे प्रॉफिट के नजदीक सबके सब एकदम 100% आइडियल लोग थे, तो ये बात सही नहीं है। उसमें कुछ जबरदस्त ईमान वाले मुहाजिर भी थे और अंसार भी थे, सहाबा इकराम कहलाते हैं वो भी थे, और उसमें वैसे भी थे जो कि मुनाफिक भी थे जिन्होंने दीन का नुकसान पहुंचाना चाहा, और इसी का नतीजा था कि चार में से तीन खलीफाओं का जो है वो मर्डर भी हुआ। तो ये चार में से तीन खलीफा का मर्डर होना, इट डज नॉट पोर्ट्रे ए वेरी यू नो पीस एंड कामफुल नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट दैट टाइम। ये बड़े एक अच्छे शांत इन्वायरमेंट की बात नहीं, तस्वीर नहीं दिखा रहा है आपको, बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी से भरा हुआ एक गड़बड़ माहौल को भी बता रहा है। प्लस आप देखिए कुरान की बहुत सारी आयती हैं, अमंग द अरब्स अराउंड यू देर आर हिपोक्रेट्स, कि तुम्हारे पास जो अरब्स हैं ना उसमें बहुत सारे मुनाफिक भी हैं। फिर देखिए कुरान की आयत है, व्हेन द हिपोक्रेट्स कम टू यू एंड दे से वी बियर विटनेस दैट यू आर द मैसेंजर ऑफ गॉड, मुनाफिक आपके सामने आते हैं तो कहते हैं आपको कि आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं, द हिपोक्रेट्स थिंक दैट दे आर डिसीविंग गॉड। तो कितनी सारी आयतें कुरान की जिसमें बता रहे हैं कि मुनाफिक आके अल्लाह के रसूल से क्या बात कर रहे हैं या क्या क्या होता था। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि रसूल सलम के जाने के बाद भी कई सारे लोग दीन से पलट गए, और जंगों के दौरान भी हमें जान मालूम है ना कि कई प्रॉफिट कई टाइम में बैटल ऑफ उहद, हिस्ट्री टेल्स अस दैट व्हेन द मैसेंजर वेंट विद हिज आर्मी टू उहद ही हैड विद हिम 1000 कंपेनियंस, जब अल्लाह के रसूल उहद की जंग के लिए गए 1000 सहाबी उनके साथ थे, बट अब्दुल्ला बिन अबी सुलूल लेफ्ट प्रॉफिट, लेकिन जो अबू सुलैल था उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ दिया साथ, वो मदीना आ गया एकॉम्पनिंग 300 फ्रॉम द मदीना, 300 लोगों को साथ में लेकर के मदीना आ गया। ये 300 ये लोग उसके सपोर्टर थे, ये मुनाफिक थे जो उनके साथ आ गए। 1000 को प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, 1/3 उसमें से अलग हो जा रहा है, डिटैच हो रहा है। अब ये 300 कौन कौन थे यहाँ पर हम नहीं जानते, क्या उनसे भी कुछ बातें हम तक पहुंची होंगी, क्या उनके तरफ से भी झूठी रवायतें गढ़ी गई होंगी, वल्लाहु आलम, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब भी चीजें हैं जो हमें देखना पड़ेगा कि हर चीज बड़ी रोजी नहीं थी उस टाइम में। मुनाफिकों के नाम नहीं मालूम थे, कौन कौन मुनाफिक है ये नहीं मालूम है। फतेह मक्का के मौके पे आपको मालूम है कि फतेह मक्का हुआ तो उसमें फिर सारे के सारे लोग दीन में आ गए। अब ऐसा नहीं है कि कल तक जो दीन के दुश्मन थे वो फतेह मक्का एक दिन के इंसिडेंस के बाद कल से वो एकदम 100% पक्के मुसलमान बन गए होंगे, ये सोचना बड़ा इलॉजिकल है। एक तरफ तो वो लोग, वो सहाबी जो सहाबा लोग जो मदीना से आ रहे हैं मक्का की तरफ, और एक तरफ वो मक्का के लोग जिन्होंने सरेंडर कर दिया है कि अब वो जीत नहीं सकते। तो ऐसा थोड़ी है कि हर कोई इसलिए ईमान कबूल किया होगा उस टाइम इसलिए कि वो सच में दीन से कन्विंस हो गया होगा। अक्सर लोग वो भी रहे होंगे जो दीन से तो कन्विंस नहीं होंगे लेकिन आउट ऑफ द बिकॉज ऑफ द सिचुएशन वो दीन में कबूल करने का दावा किए होंगे। किसका क्या ईमान था मुझे नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, लेकिन बस एक लॉजिकल बात मैं कह रहा हूँ। तो यही शायद यही सब वजह थी जिसकी वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद एक बड़े तबके, एक बड़ी तादाद में झूठी झूठी हदीसी भी गढ़ी गई। और इस ताल्लुक से आपको देखने के लिए ये वीडियो भी काफी अच्छा है शब्बीर अली साहब का, इस टॉपिक के ऊपर मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको देखें। इसमें इन्होंने भी बताया है हिस्टोरिकली हदीसों के गढ़ने के वाकयात को लेके, आप इसको देख सकते हैं, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। ये डॉक्टर शब्बीर अली साहब का वीडियो है इस टॉपिक पे कि हदीसें जो गढ़ी गई बाद के दौर में, उस पर इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको देख लेंगे। तो बाद के दौर में बहुत सारे लोग थे जो गड़बड़ करते थे, इन्होंने झूठी चीजें फैलाई, इस्लाम का नुकसान पहुंचाने की चीजें फैलाई, कुरान को नुकसान पहुंचाने की चीजें फैलाई, और इन सारे टॉपिक के ऊपर ये किताब बड़ी मुतबर किताब, अच्छी किताब लिखी गई है, टेक्स्ट बुक ऑफ हदीस स्टडीज के नाम से।
मोहम्मद हाशिम अल कमाली की, इसका सॉफ्ट कॉपी है हमारे पास, जिसमें इन्होंने हिस्टोरिकल बातें बताई हैं कि कैसे हदीसें गढ़ी गई थी, क्या क्या गड़बड़ियां हुई थी, कौन कौन सी मशहूर गड़बड़ी हदीस थी उस टाइम में जो स्कॉलर्स ने उसको फिर छांटा है, कौन कौन से ग्रुप्स थे जिन्होंने गड़बड़ी फैलाई थी, कई सारे ग्रुप्स थे, हेरेटिक थे, जिंदिक लोग थे, सेक्टेरियन प्रीचर्स लोग थे, बाद के दौर में खलीफा का दौर आया जब मुल्कियत इस्लाम जो है मुल्कियत में तब्दील हो गया खिलाफत से, तो किंग को खुश करने के लिए कैसे फर्जी चीज़ें गढ़ी गई थी, और स्टोरी टेलर हुआ करते थे, कुस्तास हुआ करते थे, या बाद अवकात अच्छे मुसलमान हुआ करते थे जो लोगों के ईमान को बढ़ाने के लिए या दीन से जोड़ने के चक्कर में फिर वो झूठी हदीसें गढ़ दिया करते थे। तो इस तरह से यानी कि इसके हिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा आपके साथ, आपके लिए आप YouTube में जाके ये वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर सबसे अच्छी बात यह रहेगी अगर आप ये किताब को पढ़ लें, ये कमाली साहब की जो किताब है टेक्स्ट बुक ऑफ हदीस स्टडीज के नाम से, ये आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी जहाँ पे कि तहकीक की गई है। तो इसमें कमिंग टू आवर एग्जैक्ट टॉपिक जो हमारा समरी है, देखिए अगर कोई साहब आज सिर्फ अटेंड किए हैं क्लास और पिछली क्लासेस के वीडियोज को उन्होंने नहीं देखा है ये पूरे, तो डेफिनेटली आप तक इनकम्प्लीट बात ही जाएगी, आपको शायद ये लगेगा कि हम ये सिखा रहे हैं समझा रहे हैं कि भाई सारे हदीसों को रिजेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये हमारा सिर्फ आज का एक टॉपिक था। इससे पहले हमने ये बताया था कि हदीसों को अप्रोच कैसे करेंगे, उसको समझने का उसूल क्या होगा, उसूलों के अंदर ही ये बताया था कि एक उसूल यह है कि कुरान के उसूल के अंदर समझना है, दूसरा उसूल ये था कि उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना होगा कि वो इम्प्लीमेंटेशन हर वक्त सेम रहेगा, कुछ मामले में सेम रहेगा, नमाज पढ़ने का तरीका जो उस टाइम था वही आज रहेगा, रोज़ा हज ज़कात का तरीका मसले मसाइल जो उस वक्त था वो आज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन कुछ वो चीज़ें भी होंगी जो चेंज होंगी, कल्चर की चीज़ें चेंज होंगी, उस वक्त का पहनावा लिबास आज का पहनावा लिबास चेंज होगा, उस वक्त दावत देने का काम उसके लिए क्या टूल यूज होता था आज क्या यूज़ होगा वो चेंज होगा, ठीक है ना। उसी तरह एक उसूल ये बताया था कि हर हदीस को आप लिटरल मत लीजिए बल्कि उसके स्पिरिट को भी समझिए, बाद अवकात आपको उसका स्पिरिट समझना होगा। फिर ये बताया था कि कई हदीसें सिर्फ किसी खास सिचुएशन के लिए ही थी, वो आज के लिए है ही नहीं, वो लिखी गई किसी खास आदमी के लिए बताई गई थी, किसी खास हालात के लिए थी, आज के लिए। फिर ये बताया था कि किसी टॉपिक पे हदीस हो तो मिलती जुलती और भी जो हदीस है उसको भी देखें, नहीं देखेंगे तो बाद अवकात गलत नतीजे पहुंचेंगे। उसके बाद हमारा आज का टॉपिक था कि ये मान लेना कि हर हदीस की किताब बिल्कुल 100% सही है, उसमें एक भी गलती नहीं है, तो ये भी हमारी गलती है, ये ऐसा नहीं है। और उसके मैंने आपको आज जो है कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे आपको दलील, और बहुत सारे हैं, तो 100 हदीस का भी PDF है जो मैंने लिंक दिखाया था वहां पे। फिर आपके सामने लास्ट में ये कहा कि भाई कुरान जो है वो फुरकान है, कुरान की बुनियाद पर हम बहुत सारी चीज़ों को शिफ्ट कर सकते हैं, और असल में तो इस डायरेक्शन में भी काम होने की ज़रूरत है, जहाँ पे स्कॉलर्स की तरफ से होता कि जब कोई चीज़ साबित है कि ये चीज़ अगर सही नहीं है गलत है तो उसको फिर वहां से हटाना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल के नाम पे झूठी बात हो जाएगी और कुरान के खिलाफ चली जाएगी बात। और फिर लास्ट हिस्से में मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया कि इसकी क्या तारीख है गढ़ने वालों की, उसको आप थोड़ा सा फाइंड आउट कर लीजिए, मैं लिंक और किताब का जो लिंक है PDF वो आपके साथ शेयर कर दूंगा।